how are you all i am i will discuss about fraction of class 7 in previous video i have discussed with you integers today's topic is fraction what is fraction first we will discuss about fraction what is fraction fractions are written in the form a upon b where a and b are whole numbers and b is equal b is not equal to 0 means b इज़ नॉट इक्वल टू जीरो द नंबर ए इज़ कार्ड द नोमिनेटर एंड द नंबर बी इज कार्ड द डिनोमिनेटर फ्रैक्शन क्या होते हैं फ्रैक्शन जो है वो ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखे हुए हैं तो यहाँ पे जो ए है वो नोमिनेटर है और बी क्या होगा डिनोमिनेटर होगा मतलब अपर पार्ट जो इसका रहेगा वो नोमिनेटर रहे और जो लोअर पार्ट रहेगा वो डिनोमिनेटर सो ए अपॉन बी इज अ फ्रैक्शन वेयर बी इज बी इज नॉट इक्वल टू जीरो सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रैक्शन वन अपॉन टू वन इज नोमेटर टू इज Denominator three upon five three is numerator five is denominator seven is numerator eight is denominator. More example you can take for fraction. Now types of fraction. How many types of fraction there are? Different type of uh, fraction. First fraction is proper fraction. As you have studied uh, about proper fraction in previous classes, like six. What is proper fraction? Fractions. हैविंग अ नोमिनेटर लेस देन दिनोमिनेटर आर कार्ड प्रॉपर फ्रैक्शन इन विच फ्रैक्शन नोमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर मीन्स इफ नोमिनेटर इज लेस देन डिनोमेटर मतलब अगर नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है जैसे आपने वन अंट टू एग्जाम्पल लिया तो वन इज लेस देन टू सो वन पॉइंट टू इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे आप थ्री अपॉन फोर थ्री इज लेस दैन थ्री इज लेस दैन फोर नाउ सेकेंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रैक्शन हैविंग नोमिनेटर्स दैट आर लार्जर देन और इक्वल टू देयर डिनोमिनेटर्स आर कार्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट अपोजिट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन बस यहाँ पे एक याद रखना है इक्वल टू जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया था वन ऑफ टू तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं टू अपॉन वन टू अपॉइंट वन इज ऑल्सो फ्रैक्शन टू इज ग्रेटर देन वन टू इज ग्रेटर देन 1 2 is numerator and denominator is 1 so 2 is greater than 1 numerator is greater than denominator in this numerator is less than denominator one more example 1 upon 1 1 upon 1 these numerator and denominators are equal to each other that's why this is a improper fraction according to the definition of improper fraction now the third mixed fraction numbers having a whole number part and a fractional part are called mixed fraction or mixed number number having a whole number whole number as you know from starting 0 1 2 3 4 5 parts and a fractional part fraction part is a upon b form are called mixed fraction b denote a mixed number in the form a whole b upon c so we can write a whole b upon c is equal to a plus आपको ध्यान रखना है कभी भी अगर मिक्स फ्रैक्शन लिखा है जैसे यहाँ पे अगर लिखा हुआ है वन होल वन अपॉन टू इसका मतलब ये लिखा हुआ है वन प्लस वन अपॉन टू यानी इनके बीच में क्या लगा हुआ है साइन जो है वो एडिशन का साइन है तो ए प्लस बी अपॉन सी आप डिनोमिनेटर में क्या करेंगे वन एजूम करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा ए सी प्लस बी अपॉन सी यू कैन टेक मोर एग्जाम्पल फोर होल वन अपॉन थ्री अब अगर आपको इसको लिखना है मिक्स फ्रैक्शन को इमप्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो देखिए क्या लिखा हो इसको हम अगर चेंज करें यहाँ से तो देखिए लिखा हुआ है फोर प्लस वन अपॉन थ्री तो ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन लिखा है इसको सॉल्व करेंगे इसी मैथड से तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा फोर थ्रीजा ट्वेल्व ट्वेल्व वन थर्टीन अपॉन थ्री तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा थर्टीन अपॉन थ्री दिस इज अ दिस इज़ अ अम्प्रॉपर फ्रैक्शन अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन को इम प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे मान लीजिए ये मिक्स फ्रैक्शन के बना है टू वोल टू अपॉन फाइव एज वी हैव रिटन एज वी हैव राइट ए प्लस बी अपॉन सी सो टू प्लस टू अपॉन फाइव सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर कितना होगा एलेवन अपॉन फाइव फाइव टू जैट टेन प्लस टू अपॉन फाइव फाइव टू जैट टेन प्लस टू अपॉन फाइव तो कितना हो जाएगा यहाँ से अब देखिए यहाँ पर ये टू लिखा हुआ है यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है इसको हम लिखेंगे टू तो ये टू हो जाएगा तो इसका आंसर जो आएगा वो ट्वेल्व अपॉन फाइव नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन फ्रैक्शंस है थाउजेंड और एनी अदर हाइयर पावर ऑफ टेन आर कार्ड डेसिमल फ्रैक्शन मीन्स इफ डिनोमिनेटर इज डिटन लाइक टेन हंड्रेड टेन थाउजेंड थाउजेंड लैक वन लैख करोड़ इस टाइप से लिखे तो उनको हम क्या बोलेंगे डेशिमल फ्रैक्शन नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन बल्गर फ्रैक्शन नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन बल्गर फ्रैक्शन व्हाट आर बल्गर फ्रैक्शन फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर्स एज होल नंबर डिनोमिनेटर्स एज होल नंबर अदर देन एनी पावर ऑफ टेन मतलब टेन को छोड़ के जो भी नंबर्स बचेंगे ठीक है उनको अगर हम डिनोमिनेटर में कंसिडर करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे बल्गर फ्रैक्शन बल्गर का मीन्स एक तरीके से कह सकते हैं कि भद्दा जैसे कि फाइव पॉइंट थर्टी वन तो अगर हम इसको देखें तो फाइव पॉइंट थर्टी वन एग्जैक्ट डिवाइड भी नहीं हो रहा है और डिफरेंट देखें डिवाइड करें तो में भी कन्वर्ट नहीं हो रहा है ऐसे ही फोर हंड्रेड थर्टीन अप नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन तो ये भी देखिए क्या है बल्गर फ्रैक्शन तो इस टाइप के जितने भी फ्रैक्शन होंगे उनको हम बल्गर फ्रैक्शन बोलेंगे नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन वाट इज कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन फ्रैक्शन हैविंग आदर और बोथ द नोमनेटर्स एंड डिनोमिनेटर एज फ्रैक्शन और मिक्स नंबर आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कॉम्प्लेक्स का मीन्स होता है कठिन यानी कि टफ ठीक है या डिफिकल्ट मतलब जिनको हम सॉल्व इजली नहीं कर सकते तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा फ्रैक्शन हैविंग आइदर और बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर एज फ्रैक्शन यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म लिखे जैसे टू अपॉन वन अपॉन थ्री लिखा हुआ है तो ये यह, यहाँ पे देखिए टू अपॉन फाइव अपॉन थ्री अपॉन सेवन तो देखिए नोमिटर भी एक फ्रैक्शन के रूप में लिखा है डिनोमिनेटर भी लिखा है तो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन नोन एज कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन यू कैन टेक मोर एग्जाम्पल फॉर द कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन नॉ द नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इक्वेलेंट फ्रैक्शन फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द सेम वैल्यू आर कार्ड इक्वेलेंट फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द सेम वैल्यू यानी कि इन सभी की वैल्यू क्या होती है सेम होती है इक्वेलेंट एक एग्जाम्पल लेते हैं देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है टू अपॉन फाइव इसके आपको इक्वेलेंट फाइन करने तो इक्वेलेंट का मीन्स होता है कि कोई एक ऐसा नॉन जीरो आपको लेना है जिससे आपको क्या करना है नोमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराना है और नंबर लिखना है तो देखिए यहाँ पे मान लेता होगी टू अपॉन फाइव क्यू हम वन से कराएंगे तो वही मिलेगा इसलिए हम टू से कराते हैं नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में तो देखिए यहाँ पे टू टू ज़ा फोर और फाइव टू ज़ा टेन अब इसको हम सॉल्व करते हैं अगर हम इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा टू टू ज़ा फोर टू फाइव ज टेन तो देखिए क्या लिखा हुआ वही लिखा है टू अपॉन फाइव तो दिस टाइप ऑफ यानी कि फोर अपॉन टेन इज़ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू टू अपॉन फाइव अगर मान लीजिए नेक्स्ट और फाइंड करना है टू अपॉइंट फाइव तो हम टू से ना करा के आप कोई भी नंबर थ्री से करा लीजिए तो कितना हो जाएगा टू थ्री जा सिक्स एंड फाइव थ्री जा फिफ्टीन लेकिन आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा टू अपॉइंट फाइव जैसे थ्री टू जा सिक्स और थ्री फाइव जा फिफ्टीन इटवीन सिक्स अपॉन फिफ्टीन इज दी इक्वैलेंट फ्रैक्शन ऑफ टू अपॉइंट फाइव वन मोर थिंग लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं

देखिए यहाँ पे लिखा है सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न अब देखिए हम इनको ऐड कैसे करेंगे अभी तक हमने फ्रैक्शंस के टाइप पढ़े हैं उनके टाइप्स को हम उससे रिलेटेड जो सम्स होंगे उनको सॉल्व कैसे करेंगे तो आपको पता है दीज आर मिक्स फ्रैक्शन तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले सॉल्व करते हैं इससे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं देखिए देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर्स क्या है सेम तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उनको हम एज इट लिख लेते हैं और नोमिनेटर को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं तो नाइन ट्वेल्व अपॉन इलेवन अगर मान लीजिए लिखा हुआ तो ये किस फॉर्म में लिखा है इम्प्रॉपर में और अगर आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो इलेवन वन जा इसको कैसे लिखेंगे देखिए पहले आप इलेवन से डिवाइड करेंगे ट्वेल्व को ठीक है तो इलेवन वंजा इलेवन सबट्रैक्ट करेंगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा वन तो इसको इस फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे मीन्स वन होल वन अपॉन इलेवन दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन ओके वॉट इट एवरी वन नेक्स्ट अब इस सम पे आते हैं अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन को पहले क्या करना है इम प्रॉपर में कन्वर्ट करना है देखिए थ्री टू जा सिक्स सिक्स वन सेवन अपॉन थ्री प्लस टू बन जाए टू और प्लस वन थ्री अपॉन टू नौ डिनोमीटर साफ डिफरेंट तो डिनोमीटर को सेम करने के लिए क्या करते हैं एलसीएम लेंगे तो थ्री टू जा सिक्स थ्री और टू का एलसीएम कितना आएगा सिक्स अब थ्री की टेबल पढ़ना है सिक्स लाना थ्री तो टू जावन इंटू थ्री टू जाए टू की टेबल पढ़ेंगे टू थ्री जा सिक्स इसको सॉल्व कर लेंगे अब देखिए सॉल्व करेंगे तो सेवन टू जा फोर्टीन प्लस थ्री थ्री ज़ा नाइन अपॉन सिक्स और ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी थ्री अपॉन सिक्स अब इसको भी आप इसी तरीके से लिखें जैसे सिक्स थ्री ज़ा एटीन सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी फोर ज़्यादा हो रहा है तो यानी कि सिक्स थ्री ज़ा ट्वेंटी फोर अब सिक्स सॉरी सिक्स थ्री ज़ा एटीन अब इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा फाइव सिक्स तो थ्री होल फाइव अपॉइन्ट सिक्स दिस इज अक्सड फ्रैक्शन एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डिनोमीटर्स क्या है डिनोमीटर सेम है तो डिनोमीटर को हम एज लिख लेंगे और डिनोमिनेटर को डायरेक्टली सप्टेट कर देंगे तो, तो कितना हो जाएगा फोर अपॉन थर्टी ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप ठीक है दिस इज इन होमवर्क वर्क मल्टीप्लीकेशन देखिए कैसे करना है सिंपल सा टू लिखा हुआ है मल्टीप्लाई टू बाई का मीन जहाँ पे बाई लिखा है वहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे अपॉन थ्री तो अब क्या करेंगे हमें यहाँ पे अब टू थ्री जहाँ सिक्स और वन ऐसे नहीं करना है डायरेक्ट

यू कैन राइट इट इन मिक्स फ्रैक्शन सिक्स थ्री सिक्स जहा एटीन थ्री वन जी रिमाइंडर वन सिक्सटी वन वो वन अपॉइन थ्री नेक्स्ट देखिए डिवीज़न कैसे करेंगे अब डिवीजन में कुछ आपको ध्यान रखना है बस सिंपल सा जहाँ पे डिवाइड का साइन लगा वहाँ पे क्रॉस लगाएंगे और उसके राइट हैंड साइड पे जो भी लिखा उसका रेशी ब्रोकर लिख लेंगे क्या कर देंगे रेशी ब्रोकर रेशी ब्रोकर मींस होता है जो भी फ्रैक्शन उसका उल्टा जैसे वन अपॉइंट टू लिखा तो उसका रेशी ब्रोकर टू अपॉइन वन थ्री अपॉइंट फोर का रेशी ब्रोकर क्या होगा फोर अपॉन थ्री सेवन अपॉन इलेवन सेवन अपॉन इलेवन का रेसी क्या होगा इलेवन अपॉन सेवन सिमिलरली वन अपॉन फाइव का क्या होगा फाइव अपॉन वन तो फाइव से फाइव कैंसिल हो गया और आपको पता है ये क्या हो जाएगा टू अपॉन वन वी कैन राइट इट टू ऐसे इसको भी सॉल्व करना है दिस इज इन बस थैंक यू फॉर वॉचिंगव अ गुड